विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एक्शन में हैं और इस चुनाव में सभी को टिकटों की आस भी है। आज सुबह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के घर पर भी तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई जो टिकट की आस लिए वहां पर पहुंचे थे। देखिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने भले ही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रैलियों पर, जनसभाओं पर, साइकिल यात्राओं पर, बाइक यात्राओं पर रोक लगा रखी हो, लेकिन नेताजी क्या कह रहे हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, खासतौर से जो टिकट की आस रखते हैं, वो इसी तरीके से हर दिन सुबह सुबह कभी पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, कभी नेताजी के आवास पर पहुंच जाते हैं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम, उनका आवास है ये बहुखंडी में, और यहाँ तमाम सारे लोग सुबह से ही पहुँचे हुए हैं। भीड़ हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही, कुछ लोग मास्क लगाए भी हैं, कुछ लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल नेताओं की बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सुबह से ही इसी तरीके से भीड़ हो जा रही है और हर कोई टिकट की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, तो लोग बायोडाटा भी लेकर आते हैं, ये भी कहते हैं कि उन्हें ही टिकट दिया जाए। देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बरेली से आए हैं, बिथरी चैनपुर विधानसभा से। टिकट की आस है? जी जी, शिवचरण कश्यप नाम हमारा। हम ऐसी जगह से मांग रहे हैं टिकट जहाँ कश्यप ही एमएलए बनता है। आप कहाँ से आए? मैं सर हरदोई से आया हूँ। अभी अपना बायोडाटा वगैरह लाए? हाँ लाया हूँ। टिकट चाह रहे हैं? हाँ, सैंडिक से 58। सुबह ही आ गए थे? हाँ, मॉर्निंग में। आपका क्या नाम है? मैं अलीगढ़ से हूँ, अशोक यादव। आप भी टिकट चाह रहे हैं? शुभकामनाएं देने आए अपने प्रदेश अध्यक्ष को, आने वाले सरकार बन रही है इसलिए। ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? अलीगढ़ से आए, राजेश यादव। टिकट की आस है? शुभकामनाएं देने सरकार। नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होनी है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही यहां कोरोना के संक्रमण ने दस्तक दे दी है। प्रयागराज में मेला शुरू होने से पहले ही 7 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 7 पुलिस कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यह हाल तब है जब सीमित संख्या में पुलिस कर्मियों की रैंडम टेस्टिंग की गई थी। माघ मेला क्षेत्र में 7 पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने के बाद से यहां हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी मच गई है। मेले के जो पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र, उन्होंने 7 पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि की है। उन्होंने ये बताया है कि इन 7 पुलिस कर्मियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है, उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। इसके साथ साथ मेले में जो भी पुलिस कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी की आज टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं अब उनकी भी नए सिरे से टेस्टिंग कराई जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि 7 पुलिस कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बावजूद मेले क्षेत्र में एंट्री पॉइंट से लेकर माघ मेला अधिकारी के कैंप ऑफिस तक कहीं भी जो है वो सुरक्षा के या चेकिंग के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही। इस वक्त हम मौजूद हैं माघ मेला अधिकारी के कैंप कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ गेट खुला हुआ है, कोई भी बेरोक टोक बिना रोक टोक के सीधे जो है उनके दफ्तर में एंट्री कर सकता है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, तो साफ कहा जा सकता है कि जिस बात की आशंका जताई गई थी, जिस बात का अंदेशा जताया गया था, आखिरकार वही हुआ है। मेला अभी शुरू नहीं हुआ है और 7 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यहां लाखों की भीड़ एक साथ इकट्ठा होगी, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ेंगी, तो नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, संगम नगरी, प्रयागराज।